ऑल राइट, सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। और जैसे कि एक एक दिन यहाँ पे खत्म होते जा रहा है और बीजीएमआई को लेके इतना ज़्यादा यहाँ पे पॉजिटिव न्यूज़ निकल के आ रही है, और साथ ही में गाइस हमारा गेम के अंदर जो पे सर्वर मेंटेनेंस वाले पे जो नोटिस आई थी, तो वो वाला नोटिस आने के बाद और भी ज़्यादा क्लियर हो चुके बीजीएमआई कमिंग के रिगार्डिंग। एंड गाइस ऐसे ना कि मैं खुद बता रहा हूँ, ऑफिशियल की तरफ से पे दो ऐसे बंदे जो कि और भी ज़्यादा कन्फर्म कर दिया गया बीजीएमआई जल्दी आ रहे हैं, और एक छोटा सा डेट जो यहाँ पे बातों में यहाँ पे निकल दिया है, तो मैं आपको बताऊँगा वीडियो को पूरा लास्ट देखना। एंड साथ ही में गाइस जैसे हमारा पे सर्वर मेंटेनेंस वाले पे नोटिस आई थी, हम लोगों को गेम के अंदर ऐसे कुछ भी फर्क देखने को नहीं मिला था, ऐसे कोई भी लैग वगैरह या कोई भी ऐसी जो गेम से यहाँ पे लॉकआउट होने वाले ऐसी कोई भी प्रॉब्लम हम लोगों को तो देखने को नहीं मिला था, बट यहाँ पे बैकएंड टीम में काफी कुछ काम हुआ है वाला सर्वर मेंटेनेंस वाली अच्छा जो नोटिस यहाँ पे आया था उसको लेके। एंड गाइस वही वीडियो को पूरा लास्ट देखना, मेरे को भाई रहा नहीं जा रहा है आप लोग को न्यूज देते हो। गाइस मैं ये कंफर्म हुआ इस आज वाली वीडियो देख के आप लोग भाई पूरी सेटिस्फाइड होने वाले, एंड साथ ही में आप लोग खुद ही वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करने वालों, तो बोलने की जरूरत नहीं, आप लोग भाई बहुत अच्छे रिस्पॉन्स दे रहे हो अभी, तो मेरे को भाई काफी खुशी हो रही है। तो चलिए शुरू करते हैं, तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आपको सारी अपडेट मैं आप लोग के सामने यहाँ पे दे देता हूँ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमारे पे सर्वर मेंटेनेंस वाली जो नोटिस आई थी 5 तारीख को एंड 6 तारीख को दोपहर में चला भी गया था, वो नोटिस में यहाँ पे आखिरकार हुआ क्या, फिर क्या हुआ। तो सबसे पहले देखो कि हमारे पे सर्वर मेंटेनेंस जो यहाँ पे नोटिस आया था उसमें यही मेंशन था कि गाइस 12 से लेकर 12:30 बजे तक यहाँ पे जो गेम के अंदर से कुछ भी यहाँ पे टेक्निकली इशू आ सकती है, तो इसको लेकर वो लोग अपोलोजाइज करते हैं। एंड जो मेन बात है गाइस, हम लोग को ऐसे कोई भी प्रॉब्लम हम लोग को तो फिलहाल के लिए देखने को नहीं मिला था, बट बैकएंड टीम में काफ़ी कुछ यहाँ पे काम हुआ जैसे कि यहाँ पे पता चल रहा है। एंड जैसे कि आप लोगों को पता है गाइस, हमारा पे 11 नवंबर को गाइस हमारा पे दिल्ली का कोरियन एम्बेसी के अंदर गाइस एक मीटिंग हुआ था गवर्नमेंट और कोरिया के बीच में, जो कार्टन के बीच में बोल सकते हो, तो एक मीटिंग हुआ था। एंड उस मीटिंग में यही निकल के आया था आउटकम रिजल्ट, यही निकल के आया था कि हमारा पे गवर्नमेंट का मेन जो प्रॉब्लम था वो साइबर सिक्योरिटी के यहाँ पे जो वायलेंस क्रिएट हो रहा था गेम के अंदर, एंड जो डेटा को लेकर जो प्रॉब्लम था उसको यहाँ पे मेन प्रॉब्लम, जैसे आपको पता होगा कि हमारा पे बीजीएमआई के अंदर भी काफ़ी बार यहाँ पे जो आउटफिट के अंदर एंड ऐसी काफ़ी सारा बैकपैक के अंदर गाइस यहाँ पे पीछे पे पबजी लिखा आ रहा था, बाकी बीजो में बाद में उसको ठीक भी कर दिया था। तो ऐसी काफ़ी कुछ यहाँ पे जो मेजर प्रॉब्लम था जहाँ पे डेटा को लेके, तो इस कारण से हमारा गेम को बैन कर दिया था। तो यही मेन प्रॉब्लम था वो हमारा इंडिया गवर्नमेंट कोरिया एम्बेसी के अंदर गाइस यही यहाँ पे जो रिजल्ट दिया था, बाकी गाइस यहाँ पे कोरिया का यहाँ पे जो मेंबर लोग थे किम वगैरह, तो उन लोग ने यहाँ पे पूछा था कि इस जो बिना कारण से हमारा गेम को ब्लॉक किया गया, तो हमारा गवर्नमेंट यही रिजल्ट देता है कि बिल्कुल रिक्स नहीं लेने का, जो गेम के अंदर जो वायलेंस हो रही है साइबर सिक्योरिटी, इस कारण से गेम को यहाँ पे ब्लॉक किया है। गेम को यहाँ पे ब्लॉक किया गया है, ऐसे बैन नहीं किया, जैसे हम लोग बोलते हैं ना गेम अनबैन, तो ऐसे बैन हुआ ही नहीं, तो अनबैन कब होगा, बट यहाँ पे गेम को यहाँ पे ब्लॉक किया गया। जैसे पेटीएम में भी ये हुआ था, पेटीएम के अंदर से कोई भी प्रॉब्लम हो रहा था जो आरबीआई को बैन किया था, एक दिन के ऐसी एक या दो दिन के लिए यहाँ पे बैन था, जो कि प्ले स्टोर से टोटली यहाँ पे गायब था, सब लोग यहाँ पे पूरा परेशान था, पेटीएम के अंदर काफी सारे लोगों का पैसा था, बट एक से दो दिन के बाद वो ठीक हो गया, तो ऑटोमेटिकली प्ले स्टोर के अंदर यहाँ पे आ भी गया था। बट यहाँ पे बीजीएमआई के अंदर सीन कुछ थोड़ा सा मसला कुछ भारी था, तो इस कारण से इतना लेट हो रहा है। बट सर्वर मेंटेनेंस वाले यहाँ पे नोटिस आने के बाद गाइस काफी कुछ यहाँ पे क्लियर हो रहे हैं। मेन यहाँ पे गाइस क्राफ्टन ऑलरेडी काम कर रहे, क्योंकि क्राफ्टन का काफी ज्यादा लॉस हो रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे सर्वर चलाते हुए, और वो लोग ऐसे बैठे नहीं रहने वाले, ठीक है। तो फिलहाल के लिए गाइस हमारे पे गेम के अंदर जो सर्वर मेंटेनेंस वाली नोटिस आई थी उससे तो ये क्लियर हो रहा है कि इस बीजीएमआई वालों जो बैकएंड टीम में काफ़ी कुछ काम कर रही है, एंड साथ ये भी सुनने को मिल रहा है कि हम लोग यहाँ पर 2.4 का अपडेट हम लोग को देखने को मिलेगा, क्योंकि ऐसी या तो गेम यहाँ पर लॉन्च करने वाली, या तो जो बीजीएमआई हमारा यहाँ पे है जो ब्लॉक है जो प्ले स्टोर में भी नहीं है, वो वाला को आप दोबारा से यहाँ पर रिटर्न कर सकते, रिस्टोर कर सकते जो भी प्रॉब्लम वगैरह था वो सब कुछ फिक्स करके, ठीक है। एंड बाकी हम बात करेंगे जैसे मैं बताया था दो ऐसे ऑफिशियल बंदे के यहाँ पर न्यूज़ निकल के आई है, जो कि बीजीएमआई जनवरी के अंदर हम लोगों को कम बैक हम लोग देखने को मिल जाएगा फर्स्ट या सेकंड वीक के अंदर, जैसे कि मैं आपको पहले भी सुनाया था। एंड जो अभी और भी ज़्यादा क्लियर होकर आ रही है मैं आपको सुनाया था, सबसे पहले आप देख सकते हो गाइस हमारा पे जो स्पीरो कास्ट है, जो कि हमारे यहाँ पे ग्लोबल स्पोर्ट्स की एक स्पोर्ट्स यहाँ पे कास्टर है, जो कि हमें वॉइस देता है। एंड इन लोग यहाँ पे देख सकते हो गाइस इसके फॉलोअर के अंदर मैं आपको अगर दिखा दूँ, तो इन लोग का यहाँ पे फॉलोइंग जिसको फॉलो करके रखा है गोल्डी भाई, घातक भाई, जो मेन हमारा घातक भाई है भाई, काफ़ी ज़्यादा गाइस यहाँ पे जो ऑफिशियल की काफ़ी क्लोज बंद है, तो घातक भाई इसको फॉलो करके रखे है, तो पूरा यहाँ पे ऑफिशियल कनेक्शन यहाँ पे न्यूज़ होने वाले। तो सबसे पहले यहाँ पे सुन सकते हो गाइस स्पीरो कास्ट ने यहाँ पे क्या बताया गाइस। आपको बताता हूँ कि क्या सीन चल रहा है एंड अपडेट, चलो अभी आखिरी तक आप रुके हो तो बता देता हूँ। जनवरी फर्स्ट वीक में आई थिंक एक न्यूज़ आ जाएगी, कुछ हद तक क्लियर हो जाएगा कि क्या होने वाला है। जनवरी फर्स्ट वीक में आई थिंक क्लियर हो जाना चाहिए क्या होने वाला है। चलो
ठीक है, जैसे कि आप लोगों को सुनने को मिल रहा है जनवरी के फर्स्ट वीक में हम लोग यहाँ पे जो क्लियर हो जाने वाले पिजमाई का क्या सीन होने वाले, और उसके बाद कल यहाँ पे रहा है ऋषभ जो वर्मिने का फाउंडर है, उन्होंने यहाँ पे लाइव में आके और भी काफी कुछ यहाँ पे अपडेट दिया जो कि मैं आपको सुना देता हूँ। एंड जो गेम का चीज है, गेम आने का, दैट इज फॉर श्योर, इट इज राइट नाउ कंफर्म कि वी फर्स्ट वीक एंड सेकेंड वीक ऑफ जनवरी में कोई ना कोई अनाउंसमेंट देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे तुम लोगों को पता चलेगा कि कब आने वाला है गेम। एंड तो बस वही है कि अनाउंसमेंट होने वाला है बहुत जल्द, शायद बेसिकली जो ई स्पोर्ट्स है BGMI का ई स्पोर्ट्स टूर्नामेंट्स जो स्टार्ट होगा वो जनवरी और फेब्रुवरी दिसंबर के 25 से लेकर फेब्रुवरी के फर्स्ट वीक तक यहाँ पे डेट मेंशन कर रही है, तो ऐसे ना कि भाई सब लोग यहाँ पे गांजा फूकते से बात कर रही है, तो गेम आ रही है, इन लोग को जो न्यूज आ रही है तो इन लोग वही दे रहे, ऐसे ऑफिशियल लोग जो ऐसे होगा स्काउट जॉनथन वगैरह इन लोग को तो पता है, बट इन लोग बताएगा नहीं है, बट जो आ रही इन लोग का जितना भी न्यूज़ आ रही इन लोग को तो वो यहाँ पे प्रोवाइड करे, क्योंकि जो ऑडियंस है उसके अंदर थोड़ा सा पे शांति बना कर रखे, ठीक है। बाकी गाइस यही था अपडेट, जितना भी करंट न्यूज़ होगा सबसे पहले देने की कोशिश करूँगा, तो इसलिए कहते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर रखो और 50 की करवा दो गाइस, कितना दिन से गाइस 40K में अटका हुआ है, तो थोड़ा सा सपोर्ट करके 50 की करवा दो एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो एंड वीडियो को ज़रूर लाइक करना, वीडियो का लाइक आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो तो देखते हो सभी लोग बट लाइक काफ़ी कम बंदे करते हो, तो वीडियो को लाइक किया करो। तो चलो मिलते हैं कमाल की वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम एंड पीस आउट, सायनारा।